बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मिस्ट्यूशन। अभी तक मैं आपको इस क्वेश्चन की एडजस्टिंग एंट्रीज करवा चुकी हूँ, और अब उसके बाद हम करेंगे ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज जो हैं वो बनती हैं आपके पास असिट ओपनिंग एंट्रीज, असिट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के अकाउंट की बनती हैं। इन तीन की आपके पास ओपनिंग एंट्रीज बनती हैं। असेट और एक्सपेंसेस और इनकम को हम हर फाइनेंशियल पीरियड के एंड में क्लोज करते चले जाते हैं, जबकि ये जो होते हैं असेट, लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी हमारे रनिंग अकाउंट होते हैं, जो कि साल साल चलते रहते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं ओपनिंग एंट्रीज। आपके पास इस सवाल में फाइनेंशियल पीरियड है जून 30, 1995। अब जब ओपनिंग एंट्री बनाएंगे तो वो अगले साल की पहली तारीख, तो अगले साल की जो पहली तारीख आएगी वो है जुलाई 1, 1995। तो डेट डालते वक्त ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले हमने ओपनिंग एंट्री बनानी, तो यहाँ हेडिंग लगेगी ओपनिंग एंट्री में हमें असेट लेने हैं, और असेट आपको सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के लेने हैं, और ये एक ही एंट्री बनेगी कंपाउंड। सबसे पहले हमें चाहिए कैश, कैश डेबिट होता है, कैश हमें सवाल में गिवन है 3,600। फिर हमें चाहिए, सवाल में जो असेट्स गिवन है मैं वो ही ले रही हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे सवाल में कैश गिवन था वो लिख लिया। अब चाहिए अकाउंट रिसीवेबल, ये भी असेट है। पहले सारे लाइन से आपने असेट्स लिखने हैं सीक्वेंस से। अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया 4,800। फिर हमें चाहिए, इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग नहीं आती है, इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ये हमें डेट ऑफ एडजस्टमेंट से मिलेगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमें डेट ऑफ एडजस्टमेंट से 3,600 मिल गई। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है, हमें पता था कि हमें इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे प्रीपेड एंट्री बनाई थी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस चूँकि असिड है वो आप यहाँ पे लेंगे। ट्रायल बैलेंस और डेट ऑफ एडजस्टमेंट को मैच करके जो जो असिड पहली बार आ रहा है वो सब लेना है, और चूँकि ये एंट्री 180 से बनी थी तो हम यहाँ 180 ही ले लेंगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद ऑफिस इक्विपमेंट, नॉन करंट असेट है तो नॉन करंट असेट पहले करंट असेट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद लेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कॉन्ट्रा करंट असेट है तो ये हम क्रेडिट साइड पे लेंगे बाद में। पेबल भी, सेल्स रेवेन्यू और बाकी ये सब एक्सपेंसेस से हमने वाले लिए। ये प्रीपेड शॉप रेंट, ये करंट असेट है। प्रीपेड शॉप रेंट ट्रायल बैलेंस में था 2,400, 600 से एंट्री में ये क्रेडिट हुआ और ये अब बचा 1,800, तो ये हम 1,800 लेंगे। इंट्रीज की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमें काम करना है। तो ये ख़त्म हो गए हैं ट्रायल बैलेंस के करंट असेट, अब हमने लेने हैं डेट ऑफ एडजस्टमेंट के करंट असेट। इसमें कोई करंट असेट नहीं है, यहाँ पे रिसीवेबल निकल रहा है तो वो करंट असेट है, कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल हमारे पास है 132, ये भी हम ले चुके हैं, ये भी हम ले चुके हैं, ये करंट क्रेडिट साइड पे आएगा, इसमें हम ये वाला पार्ट भी ले चुके हैं। अब हम जाएंगे क्रेडिट साइड पे क्योंकि सारे, अब हम जाएंगे नॉन करंट असेट पे क्योंकि करंट असेट खत्म हो गया। तो करंट, नॉन करंट असेट हमारे पास ये ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट है हमारे पास यहाँ पर 1,800। अब डेबिट सारे आइटम खत्म हो गए, अब हमें क्रेडिट में लिखना है। और क्रेडिट में सबसे पहले कॉन्ट्रा करंट असेट, कॉन्ट्रा करंट असेट है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे पास ट्रायल बैलेंस में था 240, एंट्री हमने बनाई थी 300 से, तो टोटल रकम आएगी 540। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास ट्रायल बैलेंस में नहीं है और ये पहली बार ही डेट ऑफ एडजस्टमेंट में आ रहा है, तो पहली बार डेट ऑफ एडजस्टमेंट में आ रहा है तो वही अमाउंट ले लेंगे। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में होता तो दोनों अमाउंट्स को आपने जमा करके लेना था क्योंकि एंट्री में ये क्रेडिट होगा और ट्रायल बैलेंस वाला भी क्रेडिट होगा। तो हमारे पास ये है 180। नेक्स्ट हमने लेना है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल हमारे पास है सवाल में 3,600। फिर इसके बाद ये सारे लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, ट्रायल में असेट और लाइबिलिटीज़ ट्रायल बैलेंस की पूरी हो गई। अब हम देखेंगे डेट ऑफ एडजस्टमेंट में कोई पेबल आ रहा है तो यहाँ से हमें सैलरीज पेबल मिल रहा है, तो सैलरीज पेबल भी एक करंट लाइबिलिटी बनेगी और ये डेट ऑफ एडजस्टमेंट की अमाउंट से ही आ जाएगी। सैलरीज पेबल हम लेंगे 600। इसके अलावा टैक्सेस पेबल भी है तीसरे नंबर पर, तो टैक्सेस पेबल हम लेंगे 60। कोई और लाइबिलिटी नहीं है, तकरीबन सवाल कंप्लीट हो गया। अब हमें लास्ट जो अकाउंट लिखना है वो है शाजी कैपिटल।
अब शाहजी कैपिटल की रकम टैली हो सकती है इसमें दो तरीके से। सवाल में आपने देखना है कि शाहजी का कैपिटल कितना है। शाहजी का कैपिटल है 9480, और हमने जो इसकी क्लोजिंग एंट्री बनाई थी वहाँ पे इसके आपको प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट की अमाउंट थी 1452, या पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर लॉस होगा तो वो माइनस होगा, और ड्राइंग हमेशा यहाँ पे माइनस होगी। तो मेरे पास इस सवाल में ड्राइंग नहीं है, अगर ड्राइंग होती तो मैं माइनस करके मैं ड्राइंग भी लिख लेती। तो अब करना क्या है, आपके पास जो डेबिट अमाउंट है इनका टोटल करेंगे। सबसे पहले हम इनका टोटल करेंगे, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करेंगे। एक एक अमाउंट आएगी वो मैं कर लेती हूँ। हमने जब डेबिट की वैल्यूज़ का टोटल किया तो रकम आ रही है 15,912, और जब हमने क्रेडिट का टोटल किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4,980। अब इन दोनों को हमें माइनस करना है तो हमारे पास निकलेगा ये कैपिटल। तो कैपिटल हमारे पास बन रहा है 10,932, यानी कि 10,932, और यही रकम बननी चाहिए इन दोनों को जमा करके भी। अगर यही रकम इन दोनों को जमा करके भी बनती है, इसका मतलब है जो आपने पूरा टोटल किया है वो सब सही है। अगर नहीं बनती तो या तो फिर आपका प्रॉफिट गलत निकला है, या फिर आपने कोई अकाउंट मिस किया है। तो इसको चेक कर लेते हैं। 9480 प्लस 1452, तो 10,932 उनको माइनस करके और इनको प्लस करके, अगर ड्राइंग हो तो उसको माइनस करके, या अगर आपका ये लॉस आता है तो माइनस करके ही आंसर लाना है। जो सिचुएशन होगी उस तरह से करके आपका आंसर एग्जैक्ट बनेगा तो ये आपकी ओपनिंग एंट्री बन जाएगी। टू रिकॉर्ड ओपनिंग एंट्री, तो ये आपकी ओपनिंग एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा रिवर्सिंग और करेक्टिंग एंट्रीज भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अल्लाह मेरा सिर।